आप 50,000 रुपए दीजिए, मैं आपका अकाउंट 2-3 दिन में 5-6 लाख रुपए कर दूंगी। वो लड़की थी, लेडी थी, तो उसको 50,000 ट्रांसफर किया, अकाउंट डिटेल सब दे दिया और 2 दिन में 3 लाख का 30,000 कर दी मेरा अकाउंट। इस आदमी ने अपने 3 लाख रुपए गवा दिए एक यूट्यूब स्टॉक ट्रेडर की बातों में आकर। अगर आपने कभी भी स्टॉक ट्रेडिंग या फिर मनी मेकिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च किया होगा तो आपको इनका वीडियो जरूर दिखा होगा। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट ट्रेड करना बहुत आसान हो गया, खाली आपको ऐप डाउनलोड करना है, राइट, और आप ट्रेडर बन चुके हो। तो इस एज ट्रेडिंग वर्कशॉप का प्राइस सिर्फ 359 और इसमें मैं सिखाने वाला हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, एलाइट स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के ट्रेडिंग टेक्निक्स और बहुत कुछ सिर्फ 2 घंटे में, जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। हरी अप गाइस, नीचे लिंक दिया हुआ, आप उसमें क्लिक कीजिए और मास्टर क्लास में अपनी सीट को रजिस्टर कीजिए। 2020 के बाद स्टॉक ट्रेडर की क्वांटिटी अचानक बढ़ गई है। सिर्फ 3 साल में ये नंबर डबल हो चुकी है और जुलाई 2023 में सिर्फ 1 महीने में 30 लाख से ज्यादा लोगों ने न्यू डीमैट अकाउंट खुलवाया है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट में हद से भी ज्यादा बिगनर्स हैं, जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की, और इसका फायदा उठा रहे हैं ये यूट्यूबर्स जिनका खुद का लॉस ट्रेडिंग से करोड़ों में है, बट वो लोगों को स्कैम करके करोड़ रुपए कमा रहे हैं। नासिर का क्लेम कितना झूठा है, वो कहते हैं कि वो 20-30% प्रॉफिट निकालते हैं जबकि उनका खुद का लॉस 2,89,60,828 रुपए 2 पैसे हैं। दिस गाय इज इन लॉस हिमसेल्फ। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत के अकॉर्डिंग सिर्फ 3% ऐसे ट्रेडर हैं जो एफडी के रिटर्न को बीट कर पा रहे हैं। सेबी भी सिर्फ यही बोलता है कि 10 में से सिर्फ एक बंदा प्रॉफिटेबल है और मोस्टली लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा के लॉस में हैं। फिर आखिर ये क्वेश्चन उठता है कि ये यूट्यूबर्स इतना पैसा कमा कैसे रहे हैं। तो भाई मंथली कितना कमाते और क्या एज है? भाई 20 साल का हूं और 2 खोखे आते हैं। 2 खोखे मतलब 2 करोड़। 2 करोड़ ट्रेडिंग से, वाह वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। सच तो ये है कि इनके मुंह से बोलने के अलावा इनके पास और कोई प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट मोस्टली आपके फेवरेट यूट्यूबर्स लॉस में हैं। बाप ऑफ चार्ट्स जो कि 3 करोड़ रुपए से ज्यादा के लॉस में था, घनश्याम टेक जो कि 5 करोड़ के लॉस में है। ये लोग मेनली 2 तरीके से पैसा कमाते हैं। फर्स्ट, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल से, जिस पर मैं प्रॉपरली फुल वीडियो बना चुका हूं और उसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। और दूसरा है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, वो है कोर्स सेलिंग। आज के जनरेशन को ये लगता है कि ये स्टॉक मार्केट एक मनी मेकिंग मशीन है। लोगों को ये लगता है कि ये स्टॉक मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूं। जिस वजह से ट्रेडर्स का ये माइंडसेट बन चुका है कि 9 बजे मार्केट के अंदर बैठेंगे, अपने 1-2 हजार रुपए लगाएंगे और 3 बजे जैसे ही मार्केट बंद होगी वो लाखों रुपए कमा लेंगे। और ये हालत इतना ज्यादा खराब होते जा रहा है कि एक इंसान जो जॉब करके 15-20 हजार रुपए कमा रहा है, वो भी ट्राई करते हैं कि अपनी सैलरी के अमाउंट को ट्रेडिंग करके मल्टीप्लाई कर सके, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ा सके, ताकि वो भी एक फ्रीडम भरी लाइफ जी सके। इनफैक्ट अगर स्टूडेंट की भी बात करें तो अगर उनको 4-5 हजार रुपए अपने घर से मिलता है जिनसे उनको अपने डेली बेसिक नीड्स का खर्चा चलाना होता है, वो भी ट्राई करते हैं कि वो इन पैसों से ट्रेडिंग करें और ट्रेडिंग करके अपने सारे पैसों को गवा देते हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये माफिया ग्रुप तुम्हें पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर रही है कि कैसे ट्रेडिंग इज बेटर देन अदर अर्निंग सोर्सेज। पर मेरे अकॉर्डिंग सच ये है कि ट्रेडिंग एक प्योर स्किल बेस्ड अर्निंग सोर्स है। अब इसे समझने के लिए हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस देखते हैं। अगर आज मैं तुम्हें 100 रुपए दूं और तुम उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो फॉर द शॉर्ट टाइम, देन तुम एक प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहे हो। बट वहीं पर अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, देन तुम प्रॉपर इन्वेस्टिंग कर रहे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में अपने लिए वेल्थ बनाना चाहती हो, देन ट्रेडिंग इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर स्टार्टिंग में लॉस करते हैं, बट प्राइस एक्शन और भी बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस को समझने के बाद वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं, वो एकदम पैसा छापने वाली मशीन बन जाते हैं। इनफैक्ट राकेश झुंझुनवाला जी और जितने भी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो स्टार्टिंग में एक ट्रेडर ही थे और ट्रेडिंग से अच्छा खासा वेल्थ बनाने के बाद ही वो इन्वेस्टर बने थे। अब इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर तुम रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हो और इसलिए कर रहे हो कि हर बंदा रिलायंस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस ग्रो करते जा रही है, तो तुम स्पेकुलेट कर रहे हो और तुम प्रॉपर गैम्बल कर रहे हो। बट वहीं पे अगर तुम्हें रिलायंस के बारे में सब कुछ पता है, रिलायंस कैसे स्टार्ट हुई, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, रिलायंस के पास कोई अगर फेलियर आता है तो वो कैसे उसे डील करते हैं, तुमने एक प्रॉपर डीप रिसर्च कर रखी है रिलायंस के ऊपर, देन ओनली यू कैन से कि मैं रिलायंस के अंदर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अब से रेगुलर वीडियोस आने वाली है विदाउट एनी डिले, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन टू सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।